यहाँ पर सभी लोग आपको देख रहे हैं, बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। आज यहाँ पर आप सभी कौन लोग हो और किस लिए इकट्ठा हुए हो? भारतीय किसान के आदमी किसान, अपने जिले पानीपत के किसान है, हर गांव से आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। हाँ जी, MSP का लिखता में रेट चाहिए। रेट काफी कम दे रहे हैं, रेट की गारंटी चाहिए, रेट की गारंटी चाहिए आप सभी को। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से कहा गया है कि किसानों को लेकर 3 अध्यादेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में किसान इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं। पानीपत के सभी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल कोर्ट के बाहर हम खड़े हुए हैं आपके सामने। और आपको बता दें, इन सभी ने यहाँ पर इकट्ठे और कहना इनका यही है कि ज्ञापन दिया जाएगा आज जाकर DC को और कहा जाएगा कि उन्हें MSP के जो रेट है उसकी गारंटी मिले, कि उनके जो MSP का रेट है उससे कम दाम पर जो है उन्हें उनकी गेहूं की खरीद का मूल्य नहीं बिकेगा, जितना कहा गया है उसी मूल्य पर जो है गेहूं दी जाएगी। उनकी ये डिमांड है कि उनको इस बात का आश्वासन दिया जाए, गारंटी दी जाए, उसके बाद ही वो इन अध्यादेशों को के बारे में सोचेंगे और कुछ करने देंगे उनको आगे। इस वक्त पानीपत के सभी किसान हमारे साथ मौजूद है, जुड़े हुए हैं, देखिए बातचीत कर रहे हैं किसान इस वक्त। जिसमें सरकार का जो रेवेन्यू मैटर है ना, वो बिल्कुल धड़ाशाही हो जाएगा, ना किसान किसी का कर्जा देगा, ना किसी का बिजली बिल भरेगा। जब किसान रहेगा नहीं, वो फसल नहीं बेच पाओगा, आज लूट मचवा रखी मंडियों में इन्होंने, अगर किसान के पास पैसे नहीं हो किसका देगा वो बिल, बिजली का बिल देगा, उगाई देगा या फिर बैंकों के कर्जे देगा। हमने 1 जनवरी तक का टाइम दे दिया, इतने किसानों को काम है, अपना काम करेंगे, जो फसल पिछली उठाएंगे अगली बोएंगे। अगर फिर भी नहीं माने तो 50% जो सब्जी की खेती है उसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। सरकार अपना प्रबंध करना, विदेशी ला के किसान इन आम पब्लिक को जैसा चाहे सब्जी खिलाई हो। आज के हालात क्या है किसान? आज के हालात के बद से बदतर हैं। इन्होंने क्या करा, पहले ब्लैकमेल कर दिया सेलर वालों ने, और सरकार इनसे बिल्कुल डर गई ब्लैकमेलिंग के कारण। अब क्या हो रहा है, उन्होंने बिल्कुल लूट मचा दी। जो 1500 पीछे 2600 तक बिकती थी वो आज 1600 पे आ गई, 1600। ये सरकार ने नहीं बोली कभी ये दोबारा फिर स्ट्राइक पे चले जाएं। जब सरकार में तो ऐसा क्या, हरियाणा गवर्नमेंट तो ऐसा है जहाँ जैसा कि राष्ट्रपति शासन लागू होया हो। ठीक है, हम तो मोदी से कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट के लिए हरियाणा ही था क्या, कहीं और ट्रायल कर लेते हैं इसका खतर का। ये बताइए कि इस वक्त जिस तरह से धान की खेती है वो किसानों की जो बिक रही है मंडियों में जा पा रही है, नहीं जा पा रही? नहीं जी, कत्ती बिल्कुल सेलर वालों से मिलकर उन्होंने बिल्कुल लूट मचवा दी सरकार ने। सेलर वालों को तो इनका बोलने का ना तो हक है, ना ये कह सकते क्योंकि इनसे डरे हुए हैं। और सर ये स्ट्राइक पर वैसे ही इन्हों कम से 10 दिन परेशान करके जब स्ट्राइक तोड़ी है, अब सरकार इनको बोल नहीं पा रही, और वो मन चाहे मैं वो खरीद रहे 1500, 9, 11, 21 और 17, 18 जीरी का दिवाड़ा निकाल दिया उन्होंने। लेकिन भाई साहब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो सारे किसान इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों ने कहा कि 1 जनवरी तक का टाइम दिया गया है, 1 जनवरी का टाइम नहीं, उसके बाद आप जो है सब्जी है वो जो 50% सब्जी उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, आर्थिक चोट लगेगी सरकार को, ये बता दिया ना बिजली पानी का बिल देंगे, ना सरकार का कुछ हमें कर्जा दे पाओगे। जब किसान का कोई फसल नहीं बिकेगी ना देंगे कैसे, कहाँ से देगा किसान, जब तक उसका MSP सुरक्षित नहीं होगा। अब आज की बार बाजरा है 2150 का, मार्केट में 1100, जिसकी इनकम 30,000 भी नहीं दी और वो 15,000 से 10,000 रुपए की, कहाँ से कर्जे देगा वो, कहाँ से कर्जे निकाल लेगा, ऊपर स्कूलों का अलर्ट फीस जमा कराओ। तो ये सरकार का एक CM जो अनट्रेंड है उसको ट्रेंड करने के लिए इस हरियाणा के 6 साल खराब करा दिए PM ने। देखिए इस वक्त यहाँ पर कि भारत के पानीपत के किसान हमारे साथ इकट्ठे हुए, उनका कहना है कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर किसान आए हुए थे, ट्रैक्टर लेकर किसान यहाँ पर आए हैं, देखिए अब किस तरह से अपने ट्रैक्टरों को लेकर जा रहे हैं यहाँ पर जो किसान आए थे। और मैं आपको बता रही हूँ कि सभी किसान यहाँ पर आए हुए थे और उन सभी का कहना है कि यहाँ पर सभी किसानों का कहना है कि आपको मैं बता दूं, किसान कह रहे हैं यहाँ पर कि जब तक इनकी मांग जो है MSP को सुरक्षित मांग कर रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर MSP को सुरक्षा इनको नहीं दी जाएगी तो जनवरी के बाद जितनी भी सब्जी की खेती होती है वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ना ये बिजली का बिल देंगे, ना पानी का बिल देंगे, और इस तरीके से पूरी तरीके से जो हमारे देश की पब्लिक है वो परेशान हो जाएगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि किसान को जो है सुरक्षा दी जाए। देखिए इस वक्त मैं आप सभी के साथ मौजूद हूँ, बातचीत कर रही हूँ, देखिए हम सभी इस वक्त यहाँ पर है हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से, सभी जो किसान हैं अपने अपने ट्रैक्टर्स को लेकर आए हुए हैं यहाँ पर, ट्रैक्टर पर सभी किसान आए और दिखाया है, क्योंकि हमारे भारत के यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है भारतीय किसान यूनियन
देखिए यहाँ पर सभी अपने अपने मूल्य भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि समर्थन मूल्य खरीद के कारण की गारंटी व भुगतान किसानों के कर्ज माफ किए जाए, मतलब किसानों के कर्जे की माफी मांगने के लिए बात की जा रही है। सभी अपने अपने ट्रैक्टर पर झंडे लगाकर लेकर आए हैं और सभी का कहना है कि उनके जो किसानों के जो समर्थन मूल्य है वो उन्हें दिए जाए। हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से हम आपको पानीपत की ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो बिल्कुल पूरी तरह से सच्ची तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किसान जो हैं उन्होंने बिल्कुल जी बिल्कुल आपको बता देती हूँ चुनौती दी है सरकार को कि उनकी जो है समर्थन मूल्य है जो वो उन्हें दिया जाए, क्योंकि किसी भी तरह के जो घाटा है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी उनको जो मूल्य मिलता है वो ज़्यादा नहीं मिलता, ना के बराबर ही मिलता है। लेकिन अगर इस तरीके से तीनों अध्यादेश जारी कर दिए जाते हैं तो इसमें किसान और किसी तरह का जो उनका सुनिश्चित नहीं किया जाता तो ऐसे में किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। उस नुकसान से बचने के लिए आज किसानों ने जो है एक पक्का वो संकल्प ले लिया है कि जब तक उन्हें सुनिश्चित आश्वासन नहीं दिया जाता, पूरी तरह से गारंटी नहीं दी जाती इस बात की कि उनको उनकी मूल्य का समर्थन मूल्य, उनकी फसल का समर्थन मूल्य जो है उतने ही रेट में मिलेगा जितने MSP कही गई है, तो उस तभी वो लोग अपना आगे काम करेंगे, इसके अलावा वो काम नहीं करेंगे। देखते रहिए हरियाणा रिपब्लिक और सुनते रहिए हरियाणा रिपब्लिक।